आदाब अज़्म आली शान बेहतर पाकिस्तान। एडवर्सिटीज़, मुश्किलात, परेशानियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को पीछे धकेल देती हैं। लेकिन वो बड़ा पुराना गाना है, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जला रखना है, घर तो आखिर अपना है। तो अगर मुश्किल आ जाए तो हम हार जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो मुश्किलात जो ज़िंदगी में आती हैं शायद वो एक इम्तिहान है, और जो उस इम्तिहान से आगे गुजरेगा कुदरत उसको उससे कहीं ज़्यादा मौक़े पेश करेगी। वो दरवाज़ा होता है जो हमने उठ के खोलना और आगे निकलना होता है। हाँ, बहुत सी ऐसी मुश्किलात होती हैं जो आपको बिल्कुल बांध देती हैं, आपको मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी आप हर हाल में अपने आप को किसी न किसी तरह फ़ाल बना के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। साफ ज़िंदगी में बिल्कुल आप हार नहीं सकते। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हम सबको हिम्मत दे कि हम बेहतर पाकिस्तान के लिए जहाँ तक हमारे बस में हो कोशिश करते रहें। इससे पहले कि अपने मेहमान का मैं तारुफ कराऊं, आइए उनके बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। I wanted to be a boxer. I was practicing to be a boxer. I was trying out for nationals to eventually go to Olympics, and broke my nose twice. But बहुत जुनून की हद तक शौक था। But I think वही शौक जो था that eventually turned into my survival, and you know having those negativities inspired me more to do more stuff. बचपन में क्या पता होता है, इट वॉज अ नाला काइंड ऑफ अ थिंग एंड वी वर वॉकिंग विद फ्रेंड्स कजन्स, तो जस्ट आस्क समबडी वेयर इज द डीप वाटर एंड टुक ऑफ माय शर्ट एंड डाइव हेड ऑन, तो एज सून एज आई डाइव माय फोरहेड बैंड आई क्रैक्ड, नॉट क्रैक्ड रादर स्प्लैश्ड माय थ्री वर्टेब्रा, थ्री फोर फाइव, तो आई वाज पैरालाइज्ड इंस्टेंटली। देन आई स्पेंट अराउंड थ्री years in bed. Natural Gassy is, it started off as a very fun project. It's mainly about a guy's story whose name is Bill. He lives in a fictional world, and how his life and events in his life unfold. You know, basically he doesn't advise you anything. He just explains what you are doing. I tried marathons, and like Fazil said, I've been able to do not too well. But the one Lahore Valley, I finished in 7.5 hours. और जब मैं पहुंचा तो देयर वाज नोबडी इन द स्टेडियम, इवन ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं थे। एंड न्यूयॉर्क वाली आई वाज द सिक्स्थ लास्ट फ्रॉम द बॉटम, एंड बट यू नो 7.5 hours एंड द फिनिशर्स मेडल, सो इट वाज वर्थ माय वाइल एट लीस्ट टू बी ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। I remember जब खैरो टू कराची, which was a non-stop drive that I did in 2004. It was I drove around 2,000 kilometers in 33 hours and have a world record of a non-stop drive by a quadriplegic. हमारे आज के मेहमान, हमारी नौजवान नस्ल, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लेके आए। और हमारे मेहमान खसूसी सरमद तारिक साहब, सरमद साहब बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से खास तौर पर उड़ के आए इस चीज़ के लिए। उड़ने का शौक बड़ा है आपको, काफी मैराथन, साइकिल रेस, थोड़ी सी मुख्तसरन आपकी स्टोरी तो हमने देखी, लेकिन वो एक सवाल जो मैंने आपसे पहले भी कई बार किया, वो कौन सा लम्हा होता है जिसमें इंसान ये फैसला करता है कि आर या पार? आर या पार, आई थिंक कोई ऐसा लम्हा नहीं होता। बेसिकली आपके पास आर ही की ऑप्शन हैं अगर आप जिंदा हैं, अगर आप मर गए हैं तो आप पार हो गए। It's as simple as that. It's as black and white as that. Because मेरे ख्याल में अगर आप सुबह रात गुजार के आपकी आँख खुल गई है, आपको सांस आ रहा है और आपका दिमाग काम कर रहा है, तो उससे बड़ी नेमत कोई चीज़ नहीं है, और उस दिन को आप किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं कर सकते। तो जब आप फिर बिस्तरे से निकल जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और वो
मोस्टली अगर आप इतनी एफर्ट करें तो इट गोज फॉर पॉजिटिव। अच्छा, बिस्तर से निकलने की आपकी बात की, आप बिस्तरे पे फंस गए थे, रस्सियाँ शस्सियाँ बंधी हुई, जैसे वो लम्हा जिससे आप बिस्तरे पे उठ गए, फैसल उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी कहानी हो जाती है, बट 3 साल के करीब मैं बिस्तरे पे रहा, जिस तरह आप कह रहे हैं बंधा हुआ था ड्यू टू इन्फेक्शन या मेडिकल रीजंस की वजह से, बट जब मैं एक दफ़ा व्हीलचेयर पे बैठ गया और मैंने नॉर्मल कपड़े पहनना शुरू कर दिए और बाहर की ज़िंदगी देखना शुरू कर दी, तो फिर आई थिंक इट वॉज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच पुल्ड मी टूवर्ड्स इट, कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरी फैमिली क्या कर रही है, मैं उसका कितना हिस्सा बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, क्या क्या अडेप्टेशन मुझे अपनी कंडीशन की वजह से अब लेनी पड़ेंगी और फिर ये काम करना है। तो आई थिंक इट वॉज द फैक्ट दैट एज सून एज आई गॉट व्हील्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर माई लेग्स आई वॉज आउट। वो एक जो सवाल मैं हमेशा करता हूँ, उसकी इजाज़त है, आपको रोक सकता है? ये मेरे जाती दोस्तों में से तो बेतकल्लुफी, मैं आप माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, आपको कायम व दायम रखे, और आपने इस हाल में वो शादी की, आपने उस शरीफ लड़की को फंसाया कैसे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या चक्कर दिया, लोग कहते हैं सितारे तोड़ लाऊंगा, आपने उसको चक्कर क्या दिया था? तो ये नहीं किया, ये जो लोग कहते हैं ना सितारे तोड़ लाऊंगा या चांद दे दूंगा या तुम कहो तो मैं जान भी दे दूंगा, ऐसी सारी बकवास याद नहीं थी तो इस वजह से ये हो सका, बिकॉज देखें जिंदगी दो लोगों के इकट्ठे गुजारना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और एक बहुत प्रेशर वाली कमिटमेंट है, नो डाउट, और उसको आई एम नॉट एग्जैक्टली वेरी श्योर कि ज़हरा कैसे मैनेज करती हैं, बट यू नो वी हैव अ म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, जहाँ पे मेरी डिसेबिलिटी इज वन ऑफ मैनी थिंग्स इन आर रिलेशनशिप एंड इट इज़ नॉट दी थिंग एंड इट डज नॉट सर्कल अराउंड माई डिसेबिलिटी, तो जब मेरी ज़िंदगी का महवर मेरी माजूरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर मेरी अप्रोच और ज़हरा की अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है, एंड वेन पीपल सी दैट तो आई थिंक इट मेक्स इट ईजियर, आई थिंक उस पर व्हीलचेयर पे होने का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बचपन से मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, मैं व्हीलचेयर पे जब होता हूँ तो हम किसी फन फेयर या कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो मेरे दोस्तों की आपस में लड़ाई होती है कि मेरी व्हीलचेयर को धक्का कौन देगा, क्योंकि ज़्यादा लड़कियाँ मुझे देखती थी तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, आई थिंक आप एडवांटेज जिस चीज़ से चाहो उठा लो, जिस चीज़ से चाहें उठा सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस तो बेकार, उन पर बात करना बेमानी है, और आप लोगों के सवाल भी लेते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। अज़म आलीशान बेहतर पाकिस्तान सरमद तारिक साहब मेरे साथ बैठे हुए, जी आपके सवाल आप अरीज़े फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एट अ पॉइंट एक ऐसा लम्हा आता है कि यू जस्ट गेट टायर्ड, आप थक जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिसेबिलिटी पीपल स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन यू, आप लोगों को आपको समझते हैं कि आप नहीं कर सकते कुछ, तो हाउ डू यू कोप विद द एटीट्यूड, वो जो एटीट्यूड लोग डेवलप कर लेते हैं सिंपथी का, यू नो दैट रियली टर्न्स यू ऑफ, तो हाउ डू यू कोप विद, उससे किस तरह आप? वेरी गुड। सिंपथी देखें एक बहुत नेचुरल चीज़ है, कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान को तकलीफ़ में देखता है या किसी भी प्रॉब्लम में देखता है तो इंस्टिंक्टिवली जो रिएक्शन है वो सिंपथी ही का आता है। सवाल ये पैदा होता है कि उस सिंपथी को शो कैसे किया जाता है, सिविलाइज सोसाइटी में लोग पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से करते हैं, हमारी सोसाइटी में आप जाएंगे तो लोग हाय बेचारा या आपको 4-5 पीरों के नंबर दे देंगे या हकीमों के नंबर दे देंगे। उसमें एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है कि आपको देखना है कि जो आदमी या औरत या इंसान आपके साथ वो सिंपथी या वो एटीट्यूड दिखा रहा है, वेयर इज़ ही और शी कमिंग फ्रॉम, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके मिथ्स क्या हैं, उनके मतलब एक हम सोसाइटी में रह रहे हैं जिसको हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत समझना चाहिए। तो मेरा सर्वाइवल कैसे होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दी अदर, बेसिकली इट्स नॉट माई प्रॉब्लम कि अगर वो मेरी तरफ सिंपथेटिक हैं या उनका एटीट्यूड डिस्क्रिमिनेटरी है, जो भी है, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, माई थिंग इज दैट हाउ मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ।
नॉट कि वो मुझे कैसे देखते हैं. मैं अपने आप को जिस तरह देख रहा हूँ अगर वो ठीक है तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट. बट अगर उनके पास मसाइल हैं तो वो सवालों के जवाब पे खुद ही ढूंढते रहें. वो जैसा अभी बात कर रहे थे कि वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं तो वो क्यूरोसिटी उनकी है, वो उनका मसला, वो जैसा मर्जी हल करें. अच्छा, वक्त की किल्लत है लेकिन मैं दिल कर रहा है मैं अगर वक्त हुआ तो आके तो नहीं, वो एक चपेट भी खाना अपने गाड़ी तो वो अलग से अगर मौका हुआ तो बात करेंगे. जी भाई फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. इंसान के साथ अगर कोई भी ऐसा मतलब जिससे डिसेबिलिटी आ जाए तो बहुत बड़ा सेटबैक होता है उसकी लाइफ में. मतलब किसी का अगर एक दिन बाल ही कम हो जाए तो वो सोचने लग जाता है कि यार मेरे तो बाल गिर गए. आपके साथ जाहिर सी बात है बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, तो आपने कैसे अपने आप को लिफ्ट किया दोबारा? मतलब आप हंस रहे हो, बहुत बड़ी बात है इस हाल में भी हंसना. तो आपने किस तरह से अपने आप को वापस इतना स्ट्रांग किया, इतना मोटिवेट किया कि आप आज इस जगह पे मौजूद हैं? ये पहले बताएं आप मेरे बालों की डिसेबिलिटी. अच्छा, मैं इनके सवाल में एक और वाक्य भी करता हूँ. मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो मैं एक शो करते थे लूजेंस के नाम से, तो मैं इतना कि यार है तो पहला रिएक्शन जो उन्होंने कहा ना कि वो होता है तो हमने कहा यार ये आ जाएगा, इसने पता नहीं कैसी नेगेटिव बातें करनी है ये वो. ये शख्स माशाल्लाह अल्लाह से सेहत दे, लंबी उम्र दे और इसको ताकत दे. ये जब स्टूडियो में दाखिल हुआ ना तो द होल एनर्जी चेंज्ड. ऐसा था कि हम लोग कह रहे यार ये किधर से बंदा निकल गया है. तो मजाकन मैंने हाथ मिलाया, मुझे नहीं पता था कि इनकी क्या डिसेबिलिटी है क्या नहीं है, तो हाथ मैंने बढ़ाया तो उन्होंने हाथ तो मिला लिया. कहते ये तवक्को नहीं करना कि मैं उठ के बात करूँगा, मैं अपने बाप के लिए भी उठ के नहीं खड़ा होता. तो हमारा आज तक कोई जोक है कि उठ, मैं कहता उठ कर गया, मैं अपने बाप के लिए नहीं खड़ा होता. जी आपका सवाल था कि इस तमाम चीज़ों के साथ भी मुस्कराहट आना, और वो देखें एडवर्सिटी किसी किस्म की भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है. मतलब उसके बहुत सारे लोगों के ऊपर मैं कई लोगों को कहता हूँ कि इस व्हीलचेयर की वजह से मैं स्पिरिचुअली बहुत लिबरेट हो गया, फिज़िकली तो कन्फाइन हो गया, बच्चे के मेरे ऊपर से तमाम सोशल प्रेशर उठ गए कि पैसे कमाने हैं, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है. तो मेरे दिल में जो चाहा, जो मैं कर सका अपनी कैपेसिटी में, मैंने वो किया. और वही ड्राइव थी मेरी, है मेरी ज़िंदगी की जो चलती जा रही है. एंड आई थिंक उसमें सबसे क्रिटिकल ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, दिस इज़ नॉट अ रिहर्सल. तो आपको उसका जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं रोए बगैर उतना करें. बाकी बुरे वक्त आते हैं, बुरे दिन मेरे पे भी आते हैं, मैं भी डिप्रेस रहता हूँ कई दफ़ा दो चार दिन. बट उसके बाद ये है कि या तो आप उसी डिप्रेशन में जा के डूब के मर जाएं, या फिर ये कि आप अगले दिन उससे बाहर आ जाएं तीन दिन बाद. थैंक यू. जी बेटा. अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपके ब्लॉग्स पढ़े हैं, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं. तो उसके लिए मैं सवाल पे आऊँगा कि सिंस यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, 1965 की जंग में नूरजहाँ के गानों ने बहुत मोटिवेट किया था हमारी आवाम को, और आज के दौर में भी हमारी आवाम को उसी मोटिवेशन की ज़रूरत है. तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा करेक्ट मीडियम होगा जिसके थ्रू आज की आवाम तक हम पहुँच सकते हैं? किस सेंस में पहुंच सके में हमारी जो आवाम इतनी भटक चुकी है. सिर्फ 14 अगस्त को याद आता है कि हाँ, हम पाकिस्तानी सारे चैनल्स के लोगो चेंज हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, सबकी प्रोफाइल पिक्चर्स ग्रीन हो जाती हैं. पूरे साल ये सब जोश जज्बा कहीं नहीं दिखता हमें. ये सब मोटिवेशन पूरे साल जगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, वो मीडियम चाहिए? हमें जो जो मुझे आजकल नजर आता है वो सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि हमें एक दूसरे को ब्लेम करने की बहुत आदत पड़ गई है. मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं कहता हूँ कि फैसल है, फैसल ने मेरे रास्ते में ये रुकावट रखी हुई है. जब तक ये रुकावट हटेगी नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. तो मैं मजलूमियत हूँ और मेरी इनएक्टिविटी जो है वो सारी मैंने ब्लेम करके कंधे पे डाल दी और कर दिया. एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि कौमें कौमों को बनाती हैं, हुकूमतें कौमों को नहीं बनाती. ठीक है, तो कौम को ये रियलाइज़ करना है कि वो खुद कुछ बनेंगे तो फिर जो भी आपके ऊपर या आपके सिस्टम्स वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज होंगे. अगर हम हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे ये रियलाइज करना शुरू कर दें. हमारा अभी जो मीडियम चल रहा है और उसमें वो ये है कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और गुस्सा चढ़ जाता है तो हम प्रैग्मेटिकली बिल्कुल किसी प्रॉब्लम को एनालाइज किए बगैर उस पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और एक बंदा खड़ा होता है उसके साथ 10 और लग जाते हैं क्योंकि हर एक को 15 मिनट कैमरे के आगे मिल जाते हैं.
तो इस चीज़ को हमें बदलना है कि अगर हम खड़े हो रहे हैं, कोई स्टैंड ले रहे हैं, तो किस वजह से ले रहे हैं, हम उसमें क्यों इन्वॉल्व हैं, और उसका इवेंचुअल मकसद क्या है, इज इट प्रोडक्टिव या सिर्फ आपने शोर शराबा करके साइड पे हो जाना। यू हैव टू बी इन्वॉल्व, मतलब डीपर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको, सरसरी तौर पे नहीं कर सकते। सरसरी तौर पे, और हमें अपने आप को जानना है, हमें जो इकबाल ने खुदी के ऊपर इतना जोर दिया हुआ है, हमें अपने आप को पहले जानना है, उसके बाद हम बाहर को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ आजकल जो मुझे नजर ये आता है कि हम बाहर को बहुत ज्यादा बदलना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। सरमत तारिक साहब के, मैं एक बार घर गया, पहली बार जब मैं घर गया तो चारों तरफ गिटार, आपने पैकेजिंग देखा, गिटार शिटार बड़े पड़े होते हैं। कैसे मैं कहा भाई जान ये गिटार क्या है, कहते मेरे, तो मैंने कहा ये लीड कहते बजती नहीं है, तो मैंने कहा अब कहते मैंने बेस मंगा लिया, मैंने कहा सर कहते बजेगी तो वो भी नहीं, लेकिन मंगा लेने में क्या है। तो ऑल्टरनेट एफर्ट्स, फुरकान साहब हैं गिटारिस्ट हैं, उनके बारे में, उज़मा शाह साहब जो हैं इनेबल पाकिस्तान के नाम से एक एनजीओ चला रही हैं, ये उनके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। शाह है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन आजकल मैं जो है अपनी स्टूडेंट टास्क फोर्स इनेबल पाकिस्तान के नाम से वो रन करती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से ही डिसेबिलिटी के बारे में कुछ करना चाहती थी या सोचना चाहती थी। ये पाकिस्तान का और ये मतलब मैं समझती हूँ कि एक इंसान का बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होती है कि जब तक वो इस चीज़ के अंदर ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होता तब तक उसको प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा नहीं होता। जब मेरा 2003 में व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई बिकम पैराप्लेजिक, उस वक्त मुझे बहुत डिफरेंट, ऑब्वियसली नॉर्मल लाइफ से आपने डिसेबिलिटी की लाइफ में आना, उनके प्रॉब्लम्स को आपका उस वक्त ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होता है। एक बेहतर पाकिस्तान के लिए जितना हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, क्योंकि हम नो चैरिटी नो डोनेशन बेस्ड मेरी स्टूडेंट टास्क फोर्स है, और जो हम अपने कैपेसिटी में कर रहे हैं, जो इग्नोर्ड एरिया हैं जिनको बिल्कुल जो कवर नहीं होते, उसके लिए हम हमेशा काम करते रहे। जितने भी हमारे पाकिस्तान में रहने वाले डिसेबल पर्संस हैं उनके साथ से मैं ये डिसेबल का लफ्ज़ हटा देना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि उनको डिसेबल नहीं बल्कि एबल समझा जाए कि वो कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को बदला जाए, अगर सोच बदल दी जाए, सोच को बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड होके सोचा जाए, तो इंशाल्लाह अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली खुद ही लोग महसूस कर लेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा जो अज़्म है वो ये है कि मैं अपने मुल्क को पूरी दुनिया में जो है वो एक अच्छे मुल्क के तौर पर मुतारफ़ करवाऊँ, और मेरे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम हो, यही मेरा अज़्म है। जी बेटी, सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा है। Actually, I have one question in two parts. First part, before your incident, kya aapki family financially stable thi? Yes. So, do you think ke koi aur insaan jo in a similar incident as you, wo itna achieve kar sakta hai jitne aapne kiya without any financial resources? इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं दो बातें कहते चलूँ। एक वक्फे की तरफ भी जाना है, वहाँ से होकर वापस आते हैं तो फिर आपका इस पर जवाब लेंगे। डिसेबिलिटी की जो बात हुई कि उसको डिसेबिलिटी नहीं कहना, एबिलिटी कहना, उसमें कितना बिलीव करते हो आप? सर देखिए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब क्रिपल कहते थे, उसके बाद हैंडीकैप कहना शुरू किया, उसके बाद फिजिकली चैलेंज कहना शुरू किया, उसके बाद डिसेबल कहना शुरू किया, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहा जाता, स्पेशल नीड्स हो गई, फिर स्पेशल नीड्स हो गई। तो टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिसेबल कह रहे हैं या डिफरेंटली एबल कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, बेसिकली परसेप्शन से फर्क पड़ता है।
जिस तरह उन्होंने भी बात की कि जहन जब तक नहीं खुलेंगे टाइटल जो मर्जी दे दें, मेरी बला से कोई, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं इंग्लिश में वैसे भी पर उसने आपको रोका नहीं कभी? अब देखें, उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाया या मैं हर जगह जहाँ जाना चाहता था जा सका या मैं बॉक्सर बनना चाहता था बन सका, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर सका और बहुत सी मतलब मुझे बहुत सी नई चीज़ें कर सका मुझे इस हुलिये में आने के लिए सुबह जब मैं उठता हूँ सो के तो 3 घंटे लगते हैं, एक जब मैं ठीक था तो मुझे 15 से 20 मिनट लगते थे मे बी, तो मुझे 2 बंदे उठा के व्हीलचेयर से गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी से बेड में रखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरी डे टू डे रूटीन जो है लाइफ की वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ख़ासतौर पे हाथ का काम ना करना मेरी डिपेंडेंस और बढ़ा देता है। आई थिंक यू हैव टू गो फॉर जी that. मैं एक छोटा सा वक्फा लूँगा फिर बच्ची के सवाल का जवाब भी लेंगे, उन्होंने चिपेड़ खाया तो उसकी बात करनी है। हमारे साथ एक छोटा सा वक्फा ही माजरत रहने का बहुत शुक्रिया। समत तारी साहब बैठे हुए, हमारे मेहमान बैठे हुए, ट्विटर पे भी मेरी माजरत में पहले नहीं था, मैं आ गया हूँ, तो अगर कोई आप कमेंट्स सवाल कुछ करना चाहें समत से तो आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की डिटेल्स, हमारी एसएमएस की डिटेल्स, तमाम डिटेल्स, कॉल करना चाहें तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आप देख के हमसे रब्ता कर सकते हैं। ट्विटर मैंने भी ऑन किया, आई एम सॉरी मेरे पहले जहन से निकल गया था। जी बेटी, आपका सवाल फाइनेंशियल सिचुएशन में हाउ विल यू डील विद इट? देखें, उसमें जिस लेवल पे मेरी इंजरी है और जिस लेवल पे मतलब अब मैं उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझा सकता, बट इट इज़ अ सीवियर डिसेबिलिटी, क्वाड्रिपलीजिया कहलाता है, 4 limbs impaired। यूजुअली अगर आप मेरे वालिद फौज में थे और उनके पास आर्मी की मेडिकल फैसिलिटीज थी जिनकी वजह से मैं सर्वाइव कर गया, बट इतने भी अच्छे हालात नहीं थे कि मैं सीधा बाहर चला जाता और जाके अपने आप को और भी बेहतर कर लेता। तो आई रिमेंबर जब 3 साल मैं बेड पे रहा और मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, तो माय पेरेंट्स हैड टू सेल ऑफ क्वाइट अ बिट टू टेक मी टू इंग्लैंड फॉर बेरली 3 महीने के लिए, और 3 महीने मैं वहाँ रह सका और सिर्फ अपने आप को इस काबिल कर सका कि बैठ सकूँ, बट रिहैबिलिटेट नहीं हो सका। और जब भी हम फाइनेंसिस की बात करते हैं तो बहुत रिलेटिव होता है। आप क्रिस्टोफर रीव्स का नाम आपने सुना होगा या और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो लोग हैं और इवन पाकिस्तान में कई लोगों को जानता हूँ, जिस दिन एक्सीडेंट होता है उससे अगले दिन वो लंदन या अमेरिका बैठे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ बहुत बदल जाती है। सिमिलरली मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी वजह से मैं एक लेवल तक आ गया, उसके बाद आई हैड टू वर्क माई वे अप। दे वर वेरी सपोर्टिव फैसिलिटेटिव, बट पहली नौकरी की तनख्वाह मेरी भी 1200 रुपये थी जहाँ से मैंने शुरू किया, और किसी इलीट स्कूल का नहीं पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट स्कूलों का पढ़ा हुआ हूँ, माल्टे रंग का शलवार कमीज पहन के जाते थे और आते थे और व्हील चेयर पर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और वो सारी चीज़ें। तो आई एम नॉट सेइंग कि फ़र्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरी लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिसबिलिटी एक नॉर्मल बंदे से मे बी 3x या 4x ज़्यादा हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है कि आई बीन एबल टू अचीव। मगर डू यू स्टिल फील के टू रीच द लेवल दैट यू हैव इज डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन इनफ? देखिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स वॉट यू वॉन्ट इन वट एवर कंडीशन यू आर। मतलब अगर आप चलते फिरते भी हैं बट यू आर टोटली ब्रोक, आपकी जेब में एक पैसा नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। इफ यू आर ऑन अ व्हीलचेयर अगेन, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। यू've अचीव्ड मोर देन वॉकिंग पीपल हैव। सो देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, सरमद की जो असल एक नौकरी पेशा आदमी, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ब्लॉगर है, अभी मैं इसको कह रहा हूँ भाई तो टीवी शीवी भी कुछ करना शुरू कर, जो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जम के जो है ना खुल के हंसता है, इसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तो जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है, आपके सामने बड़ी से बड़ी एडवर्सिटी, अगर हम बेहतर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, बड़ी एडवर्सिटीज़ हैं जी पाकिस्तान में, बड़े बड़े मसाइल मुश्किल हैं, वो ठीक है, लेकिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी तो हैं ना।
तो हम अगर मसाइल पे फोकस करते रहेंगे तो फिर तो गए, अगर हमने अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लिया तो बहुत है। ठीक है फाइन, पैसे तो बहुत काम की चीज़ होती है, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहते हैं, मेरे ये समझ नहीं आ रहा, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यूजुअली किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो वो इंटेलेक्चुअल साइड पे जाने की ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन आपको मैराथन की तरफ और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ शौक है तो लेकिन वो क्यों? मतलब सर देखिए, डिसेबिलिटी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मेरे शौक जो बने थे उनमें मेरी मर्जी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। हमेशा से स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स का शौक था, और बिफोर मैं एक्सीडेंट आया, मतलब चाहता था कि बॉक्सर बन सकूं, बट वो वहां तक पहुंचने की बजाय मैं व्हीलचेयर एथलीट बन गया। बट एथलेटिक्स एक क्या कह लें, एक जुनून था, एक शौक था जो कि अभी भी है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़िंदगी में चीज़ एक्साइट करती है वो फिज़िकल एक्टिविटी ही करती है। एंड आई मेरे ख्याल में इस डिसेबिलिटी या मजदूरी की वजह से अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ तो मेरी फिजिकल सेल्फ इस्टीम भी उससे बहुत इन्हांस होती है। ये कुछ चैलेंज है, वो ओवरकम करके वो मजा आता है, और आप अपने आप को इस कंडीशन में भी यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ फिजिकली ऑल्सो, तो मतलब आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आती, आपको और ज्यादा फख्र महसूस होता है कि आप इस हालत में भी ये कुछ कर सकते हैं। वो जो एडवर्सिटीज है ना, वो अपॉर्चुनिटी है, हम उसको एडवर्सिटी समझते हैं, वो दरअसल अपॉर्चुनिटी है कुछ करने का। ठीक है, मतलब आप ही कहेंगे यार मैं कैसी बेवकूफ, इस आदमी का हशर, लेकिन क्या हशर, देखो मुझसे ज्यादा मस्त यह आदमी है, हंसता बोलता सेट है, एंड आई स्टिल वॉन्ट टू नो इसने बीवी को फंसाया कैसे। ये इसको किस दिन रहा, मतलब खैर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरी बीवी घर पे देख रही है, बहुत कुट मारेगी। जी सर फरमाइए। सलाम जी, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया, आपने 3 इयर्स राइट, 3 इयर्स आपने बेड पे गुजारे, तो फिर उसके बाद ऐसा क्या मोटिवेशनल एलिमेंट था जिसने आपको इस बात पे करने के लिए किया कि आप आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ करें? उसमें ऐसा था कि 3 साल जो मैंने बेड पे गुजारे वो ये नहीं था कि मैं डिप्रेशन में था और बेड पे पड़ा हुआ था और कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। वो जो 3 साल बेड पे गुजरे वो तो मेरी हालत ही मेडिकली ऐसी थी कि मैं चाहता भी तो कुछ नहीं कर सकता था, मेरी बैक भरी हुई थी प्रेशर सोर्स की वजह से, ब्लैडर में इन्फेक्शंस थी, किडनीज के अलहदा मसले चल रहे थे, खा पी मैं खुद सकता नहीं था, बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही थी। उनको फिक्स करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि जब मैं व्हीलचेयर पे बैठना शुरू हुआ और एक मुझे पोस्चर मिल गया और एक पर्सपेक्टिव मिल गया और एक मोबिलिटी मिल गई, तो फिर वो उसने मुझे मोटिवेट और इंस्पायर किया कि जब मैं बाहर गया इलाज के लिए तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप बाहर ही रह जाएं, क्यों पाकिस्तान वापस आते हैं, फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, एजुकेशन बेहतर है, मेडिकल बेहतर है, सोसाइटी बेहतर है। बट ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा पेट्रियट था और मुल्क की खातिर वापस आया, पर मेरा वापस आने की वाहिद वजह ये थी कि मैंने अपना 50% जो कि मेरा जिस्मानी एलिमेंट है वो तो एक्सीडेंट की वजह से मेरा चला गया, बट जो बकाया 50% है जिसमें मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, जो जगह जो कि जिनसे मैं फेमिलियर हूँ, वो भी अगर चली जाएँ तो इसका मतलब है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को गंवा रहा हूँ। तो प्राइमरीली जो मेरे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन सर्वाइवल की वो थी कि पाकिस्तान आया तो इधर फिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, तो हर चैलेंज इंस्पायर करता रहा टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ये आप अपनी जो मोटिवेशन स्पीचेस करते हैं वो भी एक स्कैम ही है बेसिकली, मतलब आई डोंट नो आप क्या करते हैं, दोनों स्कैम आर्टिस्ट हैं। उसके एंड में आपकी एक बड़ा सुना को पेटेंट लाइन है, मैंने आपको कभी बोलते नहीं सुना स्टेज के ऊपर, सुना को बड़ी पेटेंट लाइन है आपकी, वो अगर मैं टीवी पे बोल दूंगा तो उसके बाद मेरे सेशन में कौन आएगा? यार ये चलाकी नहीं है, शराफत से बता दें आप। अब मैं हमेशा जब भी बोलने जाता हूँ, और अब तो ये बात खैर ऑब्सोलीट भी हो गई है काफ़ी, तो मैं क्राउड से इन दी एंड एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं स्टेज नहीं छोड़ता जब तक मुझे स्टैंडिंग ओवेशन ना मिले। तो बेचारे शर्मा शर्मी सारे खड़े होकर तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं, जब वो तालियां बजा लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ मैं इतना भी शोधा नहीं हूँ कि मैं आप सबसे कह के स्टैंडिंग ओवेशन लूँ, पर इसका मकसद सिर्फ ये है कि खड़े होना और तालियां बजाना वो दो काम हैं जो मैं नहीं कर सकता और आप लोग कर सकते हैं,
और घर जाके अगर मैं उनको कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी दवाई नहीं दे सकता कि उनकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, पर घर जाके अगर उनको कभी भी ऐसा महसूस हो कि वो कुछ नहीं कर पाते, तो सिर्फ खड़े होके जो नेमतें उनको मिली हैं उनको स्टैंडिंग ओवेशन दें, और बहुत से लोगों के पास वो नेमतें नहीं हैं। तो प्राइमरीली ये मैसेज होता है। बहुत हो। इस बात पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मैं जरा इनकी नेमतों का पूछ लूँ, बात तो आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज़मी आलीशान, बेहतर पाकिस्तान की गुफ्तगु हो रही है, सरमत तारिक साहब मेरे साथ बैठे हैं। जी बेटी, फरमाइए आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना है। सर, आपने अपनी लाइफ में माशाल्लाह इतना अभी तक अचीव किया है, अब आपके आगे के क्या गोल्स हैं, लाइक आपके क्या गोल्स हैं आगे के, आप क्या करना चाहेंगे अब आगे? मैं फितरी तौर पर बहुत नार्सिसिस्टिक किस्म की पर्सनैलिटी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर वक्त लाइट कैमरा मेरी तरफ रहे और मैं फोकल पॉइंट हूँ हर एक्टिविटी। और कोई शर्म वरम नहीं है उसमें? और उसमें कोई शर्म नहीं, और शर्म की बात भी नहीं है। अब ऐसे बेंच मार्क के पास बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एथलेटिक्स जो था दैट वाज वन मैन शो, उसके बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग, अगेन इट्स वन मैन, मतलब नॉट स्टेज पे जाके बोलने वाली बात जो है वो एक बंदे की होती है। सो आई एम मोस्टली अ सोलो आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई डोंट डू थिंग्स इन थिंग्स वेरी वेल इन ग्रुप्स मे बी। तो आगे का क्या, अभी रिसेंटली मेरी किताब एक आई है नेचुरल गैसेस बाय शंटू के नाम से। नेचुरल गैसेस बाय शंटू, मतलब किस किस्म का गैर मुहज्जब ये नाम है? मतलब ये तो आपके नेचुरल गैसेस जमीन से भी निकलती हैं, तो जमीन से ही निकलती है भाई, और ये शंटू को बट उस पे बाद में किसी वक्त बात करेंगे। आगे अभी अगर आप मेरे से पूछें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपनी लाइफ की उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे आई नीड टू डिसाइड कि मुझे फिजिकली मैं कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मेंटली मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ। जिन गिटार्स की ये बात कर रहे हैं जो बहुत सालों से फारिग पड़े हैं, यू नेवर नो, किताब अब लिख ली है तो अब म्यूज़िक की तरफ थोड़ी देर चला जाओ और उसमें कुछ कर लो, और वो छोड़ के फिर कहीं और चला जाओ। तो मैं इनकंसिस्टेंसीज में मैं बहुत से आता हैं। फ्लूइड है, फ्लूइड है, जो दिल किया जिस वक्त दिल किया, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली वो कर लिया। तो आई एम नॉट टू श्योर वट माई यू नो वट वुड बी माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट एज सच, बट वन थिंग रिमेन्स द सेम और कॉन्स्टेंट रहती है हर चीज़ में कि एवरी थिंग कैन बी डन इन पाकिस्तान। वी डोंट नीड टू यू नो बाहर जाके हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने खैबर से कराची रैली की है तो स्पॉन्सर मुझे पाकिस्तान से ही मिले, उन्होंने ही फंड किया, उन्होंने ही मुझे इनेबल किया। अगर मैंने लाहौर मैराथन की है तो जो साइकिल आपने शुरू में देखी थी वो मैं अपनी जेब से कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो स्पॉन्सर्स पाकिस्तानी थे, वो ऑर्गेनाइजर्स पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुझे अलाउ किया। तो न्यूयॉर्क गया अगर तो वो भी पाकिस्तानियों की सपोर्ट थी और वो सारा कुछ था। तो एवरीथिंग कैन बी डन हियर, और यहाँ पे करने का मजा भी ज्यादा आता है। एवरीथिंग कैन ओनली बी डन हियर, अपॉर्चुनिटी बड़ी है यार। आई वुड लाइक टू लुक एट दैट वे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मसला हमारा सिर्फ ये आता है कि हम मतलब अगर इस स्टूडियो में आने में दो सीढ़ियाँ हैं तो हम उन सीढ़ियों पे ही फंस जाते हैं, ये नहीं सोचते कि स्टेज पे पहुँच के क्या कुछ हो सकता है। तो दो सीढ़ियाँ जो हैं वो हम लोगों को हमेशा डिस्करेज कर देती हैं, तो somehow मुझे इंस्पायर कर देती हैं, तो इसलिए आई एंजॉय इट, सो इट कीप्स ऑन रोलिंग। भाई आपका सवाल। जैसे कि ये शो जो है यूथ को टारगेट कर रहा है, आप कह रहे हो यूथ पाकिस्तान का, यूथ जो है आगे का फ्यूचर है, यही फ्यूचर है आपका, तो आप यूथ को क्या एडवाइस देंगे? मतलब आप एक इंस्पिरेशन है, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी आप जहाँ पे हैं और आजकल हमारे सामने बहुत नेगेटिविटी है, तो आप क्या मेन एडवाइस देंगे कि इतनी नेगेटिविटी के सामने भी हम पॉजिटिविटी कैसे लाएँ और कैसे फैलाएँ उसे, जस्ट लाइक यू? इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले से हमने कहा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लोगों की कहानियां हैं, उनकी कामयाबियों की कहानियां, अगर आप अपनी कामयाबी की कहानी भेजना चाहते हैं तो हमें भेजिए, हम लगाएंगे। लेकिन आज हमारे पास दो नई कहानियां हैं, आइए पहले वो देखते हैं।
हमारा एक अहद है, टुडे आई प्लेज टू बी एन एम्बेसडर फॉर द रियल पाकिस्तान, अ कंट्री फॉर पीस टॉलरेंस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आई बिलीव दीज आर द वैल्यूज ऑन विच द कंट्री वॉज फाउंडेड. ये प्लेज साइन करेंगे हमारे लिए, आप लोग भी साइन करेंगे प्लीज कीजिए. और वक्त की थोड़ी सी किल्लत है तो आई वुड लाइक कि उस बच्चे का जवाब भी आप साथ साथ देते रहें. और आपने पूछा था कि यूथ को क्या मैसेज होगा मेरा, उसमें सबसे बड़ी बात कि यूथ हमारी इंतज़ार में बैठी हुई है कि कोई आएगा, कोई हमें लीड करेगा, हमें बताएगा कि क्या करो. हम कौन होते हैं, हम लोगों ने क्या मार के मारे हैं कि हम आपको बताएं कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना. आप सारी दुनिया देखें, 20-21 साल में लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आपकी 25 साल में तो आपका एथलेटिक्स में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लो, आर्ट्स की फॉर्म देख लो. तो यूथ को वो कंट्रोल अपने पास लेना है, यूथ को वो कंट्रोल और इंडिपेंडेंस अपने पास लेनी है. और जैसे ही हम वो कर पाएंगे, आई थिंक उससे इम्पॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है. एंड वी हैव टू लुक इन टू आर सेल्व्स, हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि हम इंट्रोस्पेक्शन और अपने आप को जानने की कोशिश करें. सिर्फ ये कि किसी के गाइड किए हुए या किसी के बताए हुए रास्ते पे ना चलें, अपना रास्ता खुद ढूंढें, अपने आप को पहले जानें और फिर ढूंढें कि आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता. शर्मा थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लेके आए, अल्लाह आपको हिम्मत दे. आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, माज़रत खा हूँ वक्त थोड़ा सा खत्म हुआ यार ये बात. On that very note, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. सरमद साहब के लिए एक बार फिर स्टैंडिंग ओवेशन. ऑन दैट नोट, खुदा हाफिज़. हमारे फ्यूचर के एक्टर्स बनने, ये हमारी हिफाजत करने के लिए यहाँ पे हैं. आलीशान बेहतर पाकिस्तान. अज़्मे आलीशान बेहतर पाकिस्तान.